बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई मेरा नाम है साद और मैं ना हूँ यहाँ से। बेसिकली तो मेरा गांव है कच्ची पक्की, वहाँ पे मैं एग्रीकल्चर वगैरह करता हूँ अपना जिम्मेदारा, और रहायश मेरी बुरे वाला है और गांव भी है। तो मैं आपसे पूछता रहता था कि बिलाल भाई सीड का सीड डालिए कब काश्त करें, फिर बारिश का सीज़न आ गया तो मैंने पूछा कितने लेट से लेट कब तक काश्त करें, आप एडवाइस करते रहते थे। तो फिर ये पूछना कि फिलहाल भाई सल्फर और बुरान को मिक्स करके डाल सकते हैं पहले पानी पर, ये भी आपसे गाइडनेस ली। फिर मेरे वह दोस्त थे एक लाहौर में, वहाँ से मुझे पोटाश मिल रही थी सस्ती, तो मैंने वो भी आपको पिक सेंड किया कि बिलाल भाई ये ठीक है मैं ले लूँ, आपने कहा ले लें। उसके अलावा वो जहर का असर हो गया था मेरी इसी मक्की पर, आपने बताया कि ओमिक एसिड फ्लड करें। फिर FMC की पोरस की मैंने आपको पिक्स की, तो आपने कहा जी कर दें ठीक है। तो मतलब हर तरह की कोई भी मुश्किल आई कोई भी कुछ हुआ अल्लाह का साथ था ही था। साथ आपसे मशवरा एडवाइस गाइडलाइन ले लेता था, और आप फौरन जब देखते थे रिप्लाई करते थे अपना कमेंट और सही गाइडलाइन करते थे। तो इसलिए आपका हक भी बनता है जो हमारी मेहनत ये हुई है सारी। तो माशाल्लाह इलाके में बहुत अच्छी मक्की है, हालांकि मैंने पहली बार काश्त की है बिलाल भाई, अभी मैंने एग्रीकल्चर शुरू किया है। और वहाँ पे जो 50 40 साल से कर रहे हैं ना, वो आए वो देखते रहे, कहते बहुत अच्छी मक्की है। सारी छल्ली का यूनिवर्सल साइज़ है, एक ही है ठीक है, और फुल स्टार्ट से लेकर फुल तक भरी हुई है ठीक है। तो वो मुझसे पूछते हैं क्या, हालांकि मैंने एक बोरी DAP दी है, ज़मीन भी मेरी भी इतनी अच्छी तैयार नहीं हुई थी क्योंकि बारिशों का सीज़न था, तो जल्दी जल्दी मैंने तैयार करवाई वैसे ही गीली ज़मीन। तो ट्रैक्टर की भी शॉर्टेज थी, रोटर भी नहीं बजा, पहले डिस्के बजी हुई थी, मैंने 3 हलों की सील लगवाई जल्दी जल्दी काश्त की बारिश की वजह से। तो मेरे मुकाबले में जिन लोगों ने ज़मीनें भी अच्छी तैयार की, और DAP भी मुझे बता रहे थे उन्होंने 1.5 बोरी डाली है, मैंने 1 डाली, अल्लाह का शुक्र है। तो सब अल्लाह पाक के करम नवाजी और जो दोस्त हैं जिन्होंने साथ दिया उनका नतीजा है। तो मक्की मेरे इलाके में बहुत अच्छी है, अभी 3 4 दिनों बाद शेलर करवानी है, फिर देखते हैं क्या हो जाती है। लोग तो कह रहे हैं जो आते थे वहाँ के 90+ है, कोई 95 कह रहा है, कोई 100, कोई 90+, अब देखते हैं। अल्लाह करनी तो बरकत अल्लाह पाक ने ना। तो बिलाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप गाइडलाइन करते रहें, और उम्मीद है आगे भी आपकी रहनुमाई हमें हासिल होगी, आप हमें गाइडलाइन करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।